Hello everyone. So today we will learn the best practices to upload a video on YouTube. Recently हमने एक वेबिनार किया था. उस वेबिनार में हमने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं था कि वीडियो अपलोड कैसे करते हैं. तो आप जॉब लेने जाते हैं, आप देखते हैं कि आपको वही यूट्यूब मैनेज करना है. तो उस टाइम पे आप यूट्यूब पे जब एक्चुअली में काम करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होती है. सो द बेस्ट आइडिया, जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग में जाएं या कुछ स्पेसिफिक जॉब्स के लिए अप्लाई करें, या क्लाइंट आपको पूछ सकता है या कंपनी आपको पूछ सकते हैं कि यूट्यूब मैनेज करना है, विच इज़ यू नो वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज डिजिटल मार्केटिंग एरा एज वेल, यूट्यूब को मैनेज करना. तो उसमें जब हम SEO समझ लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कस्टमर परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यूज़र एक्सपीरियंस है, कस्टमर को कैसा वीडियो दिखेगा, वीडियो में कैसे कैसे ईजी पॉइंट्स होंगे जहाँ से कस्टमर जो है इजीली समझ सकता है बाकी वीडियोस. तो उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, आई कार्ड्स होता है, एंड स्क्रीन होता है, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, प्लेलिस्ट बनाना होता है. तो आज हम वही सब देखेंगे. मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली शो करूँगा. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है. सो इनिशियली जब आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो पहले 1000 सब्सक्राइबर्स को गेन करने में काफ़ी टाइम लगता है. तो हम लोग रिसेंटली ही एक्टिव हुए हैं उसमें. आज जो है अभी अक्टूबर 2023 चल रहा है. तो अगर आप कोई पुराना वीडियोस भी देखेंगे तो उसमें भी यूट्यूब पे क्या होगा कि कुछ फीचर्स अलग होंगे. तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल अगर आप अक्टूबर 2024 या फिर कुछ भी हो सकता है, 6 महीने बाद भी चेंज हो सकता है, 1 साल बाद भी चेंज हो सकता है, तो जब भी आप करें तो कुछ फीचर्स आपको अलग दिख सकते हैं, बट मोटा मोटा आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा. लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे ये काफ़ी रिसेंट वीडियो है. और हमने जो वेबिनार किया था उसमें काफ़ी सारे क्वेरीज आए कि एक छोटा सा वीडियो होना चाहिए जिसपे हमें पता चले कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं. तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना एक वीडियो अपलोड करें और उसमें बताएं कि हम क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं. तो इन इसके थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए. कैसे करना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट. सो हाउ टू यू नो यूज़ दीज बेस्ट प्रैक्टिसेस, हाउ टू अप्लाई दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन टूडेज वीडियो वी विल अपलोड अ वीडियो विच विल बी अ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर यू, एंड वी विल शोकेस द डिफरेंट फीचर्स, हाउ टू यू नो डू द बेस्ट प्रैक्टिसेस while uploading a video. So let me share the agenda quickly. So this is an agenda which I already discussed, the understand the this various features while uploading and apply the best practices to optimize. So isko hum kafi quick and short rakhenge, main cheeze hum discuss karenge, practically demonstration I will showcase you. Ab hum kya karte hain, jab bhi hum koi video YouTube channel manage karte hain to hame kya karna chahiye, hame ek basic sa अपने पास रखना चाहिए कि हम किस तरह की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं. तो जैसे हमने क्या किया हुआ है, मैं आपको बिल्कुल इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि हम एक YouTube चैनल स्टार्ट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि YouTube चैनल स्टार्ट करते हुए क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो अभी हम भी काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं और दिस इज़ जस्ट टू शेयर द एक्सपीरियंस. तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों को समझने में, तो आपका टाइम बचे इसीलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो जैसे कोई भी आप यूट्यूब चैनल मैनेज करते हो तो आप एक शीट ज़रूर बना लो जिसमें आपने बेसिकली वीडियो डाला है. अब जैसे मैंने क्वेरी लिखा है, इस चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं. मोटा मोटा क्या है कि जो जो वीडियोस आपने अपलोड कर दिए हैं वो हो, किस डेट को क्या है वो हो, उस वीडियो का लिंक हो, उसमें आई कार्ड डाला है या नहीं डाला है, एंड स्क्रीन डाला है, वो शॉर्ट्स है या लॉन्ग वीडियो. तो इस तरह से एक आप शीट्स बना के इसमें रखिए. इसमें लिख दिया आप शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्मेट, तो जहाँ जहाँ पे शॉर्ट्स हमने डाला होगा तो मैंशन, ताकि आप इसे मैनेज करेंगे. एंड विद टाइम हम इसको और अच्छे से करते रहेंगे, मतलब काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे आज हम वीडियो लेते हैं, एक वीडियो हम अपलोड करते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है. तो यहाँ से मैं इधर क्लिक किया मैंने और ये मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया तो ये यूट्यूब ओपन हो जाएगा. इसकी मैं साउंड थोड़ी सी कम कर लेता हूँ. अब जो है ये इधर गया मैं और ये यूट्यूब स्टूडियो पे गए. यहाँ पे आपके जितने भी वीडियोस हैं यूट्यूब स्टूडियो, ये डैशबोर्ड आपको दिखाएगा और ये कंटेंट दिखाएगा. तो जब हम कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो अगर आपने देखा होगा तो हमारे 1085 सब्सक्राइबर्स हैं अभी, और पहले 1000 को गेन करने में बहुत टाइम लगता है, समझने में काफ़ी चीज़ें लग जाती हैं. तो ये कुछ कुछ वीडियोज़ अभी हमने डाले हैं और अब हम भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं. तो क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं, तो ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा देंगे. तो जैसे मैंने वीडियो अपलोड करना है तो मैंने यहाँ क्रिएट पे क्लिक किया, अपलोड वीडियोस. अब जहाँ से मुझे अपलोड करना है ये मैं फाइल सेलेक्ट भी पब्लिश, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि जो मेरे को वीडियोस पब्लिश करनी है. तो सपोज आज मैं ये वीडियो पब्लिश करना चाहता हूँ, ये वाली,
वीडियो का नाम, फाइल का नाम हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी जो हमें पब्लिश करनी है। ये वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका टाइटल रखूँगा, तो फॉर एग्जांपल मैंने शीट में ऑलरेडी जो वीडियो का नाम है वो सोचा हुआ है, तो ये जैसे अक्टूबर 23 को मैंने ये वीडियो का टाइटल वीकेंड वन क्वेश्चंस आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पर्सनलाइज क्वेरी आती है उसका हम एक वीडियो बनाने लगे हैं वीकेंड पे। तो ये फर्स्ट वीकेंड ही है जिसपे हम ये ट्राई कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे इसको टाइटल को पेस्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दिया। तो डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने लिख दिया कि इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस एंड आंसर्स आस्क्ड इन आस्क्ड वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द पीपल। ओके, सो इसमें अब ये वीडियो जब हम अपलोड कर रहे हैं, ये वीडियो अपलोड हो रहा है, साथ साथ ही जब आप अपलोड करो तो इस लिंक को कॉपी करके इस शीट में रख लो, ताकि आपको बाद में जब करना हो तो आपको पता रहे। अब ये शॉर्ट्स नहीं है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं कि शॉर्ट नहीं है। यहाँ आई कार्ड एंड स्क्रीन लगाएंगे तो हम लिखेंगे लगाया है, नहीं तो नहीं लगाया है। अब यहाँ पे देखिए, जब आपने वीडियो अपलोड किया तो डिस्क्रिप्शन में तो अभी आपको करना ही है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको करने से पहले मैं पहले कुछ हैशटैग जैसे लगा देता हूँ जो मुझे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये मैंने लगा दिया। वीकेंड, मैं देखता हूँ अगर इस तरह का कुछ हैशटैग अवेलेबल है तो वीकेंड, जो हैशटैग ऑलरेडी है इसको आपको यू नो बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है उसको लेने में आपको फायदा है। इसका मतलब इस तरह की क्वेरीज ऑलरेडी हो रहे हैं, तो वीकेंड ट्रिप, वीकम वाइब्स, ये सब मैं कर सकता हूँ, बट मेरे को नहीं इसमें कुछ खास इंटरेस्ट आ रहा, तो मैंने सिर्फ क्वेश्चंस ले लिया और मैंने सिंपल एड फॉर श्योर ले लिया अभी के लिए। बाद में मैं ये हैशटैग चेंज कर सकता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी लिखना है, तो सपोज मैंने लिखा कि इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द पीपल एंड दिस इज द यू नो फॉर्म वेयर यू कैन ऑल्सो आस्क योर वी कैन ऑल्सो यू कैन ऑल्सो पुट योर क्वेरी। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म लगाया है डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर उनको और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वो फॉर्म कहाँ पे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे उसके लिए मुझे कोई दूसरा वीडियो एक बार खोलना पड़ेगा, क्योंकि पुराने वीडियोस में वो मैंने लगाया हुआ है, तो मैं वहीं से कॉपी कर लूंगा। तो लेटर से मैंने ये कोई सा भी एक वीडियो खोल लिया, ठीक है, और इस वीडियो में से मैं कॉपी कर लूंगा उसको। थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि नेट स्लो है या जैसे भी, तो यहाँ से मैं ये कंटेंट कॉपी कर लूंगा जो हम फॉर्म यूजली लगाते हैं, जैसे टू कनेक्ट विद योर स्पेसिफिक क्वेरी, और ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया लिंक अपने इस वीडियो में। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर कुछ मैं क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो यूजर्स हैं, जो अगर उनको कुछ क्वेरी है तो वो इस फॉर्म को भर के और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर वो कुछ और कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, तो मैं यहीं पे उनको साथ साथ दे रहा हूँ ये क्वेश्चंस का लिंक। तो ये फॉर्म का लिंक है और कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए आप, जैसे मैं फॉर्म करूँगा तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो यूजर फिलअप कर सकता है, तो मेरे को लीड्स भी जनरेट हो सकती हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है हमारी सर्विसेज में। जैसे हम ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन में, समबडी इज इंटरेस्टेड सो दे कैन फिल अप द फॉर्म। सो ईमेल डाला, ऑफिशियल नेम डाला, व्हाट्सअप नंबर डाला, ईमेल एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर प्लीज राइट इन डिटेल। अब यहाँ पे हमें समझ आ जाता है कि वो किस चीज़ के हमसे वो चाहता है, वो रिज्यूमे राइटिंग में चाहता है, वो कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहता है, या फिर वो जनरली कुछ पूछना चाहता है, या कुछ उसके ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल या उसे नहीं मिले, तो वो यहाँ पे लिख सकता है। तो हमने एक फॉर्म के थ्रू उसकी डिटेल्स ले ली ताकि हम उसको शेयर कर सके, बाद में उसको रिस्पॉन्स कर सके। अगर कोई क्वेश्चन कॉमन आता है, जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने वेबिनार किया था तो हमने देखा लोग जब कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें मैनेज नहीं कर रहे हैं। जैसे ऐसे शीट मैनेज करने में बहुत फायदा होता है। अब जैसे मैं, मुझे पता था मुझे फॉर्म लगाना, तो मैं पुराने वीडियो में गया, वहां से मैंने कॉपी करके लगा दिया यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली मेरे को ये स्टैंडर्ड जो है मैंने लगा दिया, ये मैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग में भी कर सकता हूँ, बट क्योंकि मुझे थोड़ा कस्टमाइज आपको दिखाना था करके तो मैंने दिखाया। अब जैसे मैं साथ में ये भी लगाऊंगा कि इफ यू वॉन्ट टू सी अदर वीडियोज बायस प्लीज रेफर दिस।
यहाँ पे मैंने यही शीट का, ये जो शीट है आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू करियर स्किल एंड जॉब, इसी का लगा दिया ताकि यूजर जाके यहाँ पे दे। एंड विद टाइम ये लिंक तो हमेशा लाइव रहेगा, गूगल स्प्रेडशीट का लिंक है, इसको मैं थोड़ा और ऑर्गेनाइज कर दूंगा। ठीक है, जैसे इसमें मैं और यहाँ पे शीट में लगा सकता हूँ, ये शीट किसकी बात है, ये सिर्फ पावर बी आई के बारे में बात कर रहा है, ये सिर्फ एक्सेल के बारे में बात कर रहा है, इस तरह के वीडियोस में कस्टमाइज कर सकता हूँ, काफी इजी कर सकता हूँ यूजर के लिए, ताकि यूजर को पता चले कि भाई मेरे को अगर इनके और वीडियोस देखने हैं तो क्या मैं एक शीट के थ्रू लिंक पे जा सकता हूँ। वो प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं, बट यहाँ से भी हम उसे एक ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें डेट वगैरह भी रहेगी, वो इजिली देख सकता है। अब मैं इसकी बात करूँ, जैसे मुझे ये इसमें क्विक जंप्स मैंने पहले से बना रखी हैं। क्विक जंप्स क्या होते हैं कि जैसे उसको टाइम स्टैम्प हो गया जिसपे हम इजिली जा सकते हैं। अब इसको तो करने का तरीका है कि मैंने इसको क्लिक किया, फिर मैंने देखा कि किस सेकंड पे किया, इस तरीके से लगाने होते हैं। जैसे ये मैंने वीडियो ऑन किया और फिर मेरे को 0-0, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि पहला जो आपको वीडियो लगाना है वो 0-0 स्टैम्प पे लगाना है। तो जैसे मैं इसका एक टाइम स्टैम्प लगा के आपको दिखा देता हूँ, तो मैं इसी के नीचे लगा रहा हूँ, इसको मैं टाइम स्टैम्प भी बोल सकता हूँ, इसको मैं क्विक जंप भी बोल सकता हूँ, हम लोग इसको क्विक जंप लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप लिखो उससे कुछ नहीं, ये हमने लिख दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि जैसे मान लो मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, अब यहाँ से मैं अगर इसे बोल्ड करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ, तो मुझे बोल्ड दिखाता है, बट जब मैं इसे पब्लिश करूँगा तो बोल्ड होगा नहीं। तो इसको बोल्ड करने के लिए भी मैंने आपके लिए एक ढूंढा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, जैसे मैं कुमार में गया और ये ओपन इन न्यू टैब, मैंने नेटिव में ये ओपन किया फैंसी टेक्स्ट, यहाँ पे जो भी मुझे बोल्ड करना है, तो सपोज मुझे यहाँ पे बोल्ड करना था क्विक जंप, तो इस तरह से मुझे दिखा रहा है ये। अब मुझे जो इसमें से लेना होगा वो मैं ले सकता हूँ, तो सपोज मैंने ये ले लिया फॉन्ट क्विक जंप, कंट्रोल सी किया, चैनल पे गया मैं, और ये मैंने यहाँ पे बोल्ड दिखा रहा है, बट ये बोल्ड था नहीं यहाँ पे, जो हम यहाँ से करते हैं ये होता नहीं है, तो इसके लिए ये लिंक यूज किया मैंने। अब ये भी मैं सपोज चाहता हूँ कि भाई मेरा जो है बोल्ड हो जाए, तो मैंने इसको कंट्रोल सी करके इधर ही फैंसी टेक्स्ट में मैं गया, नेट मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है इसमें, तो ये मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी किया। ठीक है, अब मुझे दिखाएगा ये कौन सा टेक्स्ट मुझे लेना है, तो मैं एक सिंपल सा ही प्रेफर करूंगा। तो जैसे मान लो मैंने दिस इज अ फेम वे टू पुट योर, और ये मैंने ले लिया कंट्रोल किया, और इसको हटा के मैंने ये मैंने अब ये इस तरह से दिखेगा। और भी कुछ अगर मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, इफ यू वांट टू सी अदर वीडियोस, अदरवाइज मैं अभी नहीं चाहूँ। तो हैशटैग मैंने दो चार लगा दिए क्वेश्चन आंसर्स, हैशटैग हमें ज्यादा नहीं लगाने, 3 से 4 मेरे हिसाब से सफिशियंट है। ऑल दो हम काफी न्यू हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे, बट जो हम हमारे जो यूजर्स हैं, हमने ऐसा नहीं कि अननेसेसरी किसी को भी, जैसे कई लोग क्या करते हैं रिलेटिव्स को मंगा लेते हैं, उससे नुकसान होता है। अगर आप मतलब हमारा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसमें आप देखेंगे, तो उसमें काफी सारे हमने इस तरह के आंसर्स किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वही सब्सक्राइबर रखे हैं जो कहीं ना कहीं से कुछ कंटेंट को देख के कनेक्ट करके सब्सक्राइब उन्होंने किया है। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है थंबनेल लगाना। अब थंबनेल मैंने एक ऑलरेडी बना रखा है, आई होप यू नो हाउ टू मेक अ थंबनेल, तो उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है, तो मैं इसमें दोबारा से मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ टू बी पब्लिश, तो टू बी पब्लिश में मैं जाऊंगा ऑल फाइल्स में, यहाँ पे कहीं पे थंबनेल मैंने लगा रखा होगा। जैसे मैं ये थंबनेल पे आ गया हूँ, हाँ, ये मेरा थंबनेल है जो मैंने कैनवा पे ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ, जैसे ये 91 नंबर पे है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोड किया। कैनवा बहुत इजी है, कैनवा काफी सिंपल है। अब ये मुझे पीएनजी फॉर्मेट में जैसे मैं लेना चाहता हूँ, तो मैंने पीएनजी फॉर्मेट सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे करंट पेज लेना है, ये मेरे से क्लिक हो गया यहाँ पे, तो जैसे मुझे डाउनलोड पे क्लिक किया और पीएनजी मैंने सेलेक्ट कर लिया था, यहाँ से मुझे करंट पेज लेना है, तो अभी मैं डाउनलोड करूँ तो सारे पेज आएंगे, मुझे सिर्फ करंट पेज लेना है, तो मैंने करंट पेज को सेलेक्ट किया यहाँ से,
डन किया, डाउनलोड किया। अब ये डाउनलोड हो रहा है। अब जैसे ये डाउनलोड जहां पे हुआ, मैंने इसको डाउनलोड्स पे जाके डाउनलोड इसको मैंने डाउनलोड पे जाके इसको नाम दे दिया। नाम है वीकेंड, जो भी उस वीडियो का नाम है, वीकेंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जैसे मैंने नाम दे दिया एपिसोड 1 फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये मेरा थंबनेल के फॉर्मेट में है ऑलरेडी, तो मैं इस पे जाऊंगा अपने इस पे वीडियोस पे जहाँ पे भी मैं अपलोड कर रहा था थंबनेल को। तो ये फीचर इंपॉर्टेंट है थंबनेल, जैसे ये तो हम लोगों को पता ही है इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है वो मैंने थोड़ा सिखाया कि कैनवा पे आपने देखा, फिर उसको फाइल का नाम भी दे दिया, फिर आपने इस तरह से ये डाउनलोड किया। ठीक है, और यहाँ से आपने इमेज अपना, अभी इसका मैं क्वेश्चन एंड आंसर करके एक ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो मैं उसी में डाल दूंगा इसको क्वेश्चन आंसर्स करके। ठीक है, नहीं है तो आप न्यू प्लेलिस्ट करके उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे न्यू प्लेलिस्ट करके नाम लिख सकते हो अगर आपको कुछ नया चाहिए, बट मेरे पे ऑलरेडी मैंने बना रखा था तो मैंने इसे डन किया। तो अब ये हो गया। अब नीचे के फीचर्स देखते हैं हम लोग। दिस वीडियो डेफिनेटली इट इज़ नॉट मेड फॉर यू, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, किड्स के लिए नहीं है ये। शो मोर पे एक बार देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इसमें कुछ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पोर्शन, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं देखने के लिए। माई वीडियो कंटेंस पेड प्रमोशन, इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो इसे छोड़ देते हैं हम। ठीक है, जो इसमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग है आप इसमें वो रहने दो, अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स, तो वो जो टाइम स्टैम्प जो चैप्टर्स है उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ऐसे के ऐसे ही रहने दो। एड टैक्स इसलिए कि अगर आपको स्पेलिंग जैसे लिखा हुआ है, टैक्स कैन बी यूजफुल कंटेंट इन योर वीडियोज कॉमनली मिस स्पेल्ड, जैसे कोई सर्च कर रहा तो उसके लिए ईजी हो जाता है। तो मैं इसको क्वेश्चंस एंड आंसर्स करके जो था मेरा टैग वो कर दिया मैंने। ठीक है, आस्क मी एनी थिंग, वट एवर आई वॉन्ट आई कैन मैंशन, बट आई एम जस्ट पुटिंग सिंगल नेम। ये वीडियो लैंग्वेज इंग्लिश में है या उसमें है, जैसे हिंदी में है हम लोग कर रहे हैं तो ये हम कर सकते हैं। सिलेक्ट योर वीडियो लैंग्वेज इफ यू नीड योर कैप्शन सर्टिफिकेशन, तो वीडियो लैंग्वेज जो है हिंदी में है तो मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि ये हिंदी में है। ठीक है, तो ये मैं देखो, मैं भी आपके साथ फर्स्ट टाइम ही इस तरह से देखता हुआ चल रहा हूँ काफ़ी चीज़ें, और ऑल दो हमने काफ़ी करी है, बट मैं सिखाने के हिसाब से करूँ तो मैं भी एक ही चीज़ पढ़ रहा हूँ। रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब मैं ध्यान नहीं देता हूँ, मैं खुद ना स्टैंडर्ड यूट्यूब ये सब आप ऐसे छोड़ दो, बाकी फॉल्ट सेटिंग इसमें कुछ भी नहीं। कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी मेरे में एजुकेशन, तो एजुकेशन डाल दिया मैंने, और ये सब चीज़ें कुछ काम की नहीं है, प्रॉब्लम्स ये सब नहीं है। ये मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, सबने लिखा है, कुछ ऐसा नहीं है। जैसे हाउ टू लेक्चर, ये आपको देना चाहो तो दे सकते हो, टिप्स वगैरह अगर आपको रखना है एजुकेशन में, आप टिप्स दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, प्रॉब्लम वॉक थ्रू आप कर रहे हो, जो भी आपको दे रहे हो, मैं इसे नाम रखता हूँ फिलहाल। ठीक है, इसका जो है टाइम स्टैम्प में मैं लगाऊंगा, लगा ही चुका हूँ, ये जो है टाइम स्टैम्प ऊपर डिस्क्रिप्शन में हमने लगा दिया था, ये रहा टाइम स्टैम्प, क्विक जंप जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कमेंट्स एंड रेटिंग की, आपको सारी कमेंट्स अलाउ करनी है, डिसेबल करनी है, पोटेंशियल यूनर, ज़्यादातर जो है मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ, होल्ड पोटेंशियल इनपुट कमेंट्स फॉर रिव्यू इंक्रीज स्ट्रिक्टनेस। जैसे किसी ने कुछ गलत लिखा या कुछ मतलब यू नो विच इज़ वल्गर एंड ऑल, तो ये इसको अवॉइड कर सकता है, आप उसको जाके ब्लॉक भी कर सकते हैं, वो एक अलग ही चीज़ है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू करता हूँ, तो पहले मेरे रिव्यू के बाद ही वो पोस्ट हो पाएंगी। ठीक है, ये लिंक मैं ऑलरेडी शीट में करा चुका हूँ, ताकि कुछ है यहाँ पे चेक्स कंप्लीट नो इशू पॉइंट, तो यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें चेक कर ली हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। सब टाइटल्स में नहीं जानना चाहता क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो अच्छा भी नहीं आता है वो कई बार। एंड स्क्रीन में ऐड कर सकता हूँ, तो इंपोर्ट फ्रॉम वीडियो में मैं गया, और एंड स्क्रीन में सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं लेट अस से सब्सक्राइबर दिखाऊँ, कि सब्सक्राइबर कुछ आ जाए, या कोई अपनी एक प्लेलिस्ट दिखाऊँ, तो फिलहाल मैं सब्सक्राइब करना चाहता हूँ। लेकिन ये मुझे कह रहा है कि मुझे इसके लिए एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी अ वीडियो प्लेलिस्ट, पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ। देखिए ये होगा नहीं, 7 है तो मैं 7 करके दिखाना चाहता हूँ कि इस मिनट और इस सेकंड पे वो दिखा दे मुझे इस तरह का। ठीक है, बट ये एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी वीडियो, तो मैं एलिमेंट पे गया और मैं कोई प्लेलिस्ट यहाँ पे लेटेस्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने यही प्लेलिस्ट क्वेश्चन आंसर वाली प्लेलिस्ट ही यहाँ पे सपोज लगा दी। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि मेरी इस प्लेलिस्ट में और भी चीज़ें हैं, ये तो मैंने यही प्लेलिस्ट लगा दी, ये लग गई मेरी, तो मैं इसको उसी में 10 सेकंड का मेरे ख्याल से इसमें रहता है, वो आप जब यहाँ पे करोगे तो आपको बता देगा।
तो सपोज मैं यहाँ पे 707.05 ले रहा हूँ, तो ये मुझे कहेगा नहीं ये नहीं हो पाएगा। जैसे 12 है यहाँ पे, तो ये शायद नहीं हो पाएगा। जब मैं इसे सेव करूँगा, हो रहा है, तो हो सकता है 5 सेकेंड का, जो भी है कुछ सेकंड का इसमें रहता है क्या, तो वो हमने ऐड कर लिया। अब हम इसमें ऐड कार्ड्स हम करेंगे, तो ये भी जो हम एकदम नए चैनल है हमारा चैनल, तो आपको भी सेम सेम चीज़ें प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हमने काफ़ी रिसर्च करके उसी हिसाब से बताया। अब जैसे इसमें भी मैं आई कार्ड्स क्या होता है, जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वीडियो के यहाँ पे आता है, अभी मैं शो करूँगा आपको, तो और एंड स्क्रीन जो एकदम आखिरी में आता है। तो सपोज मुझे ये, मुझे यहाँ पे लगाना है कार्ड, ये मुझे लगाना है कार्ड लेटर से, मुझे दो दो 10 सेकंड के बाद लगाना है। तो ये 10 सेकंड की एरो है यहाँ, इसको मैं यहाँ से ऐसे खींच भी सकता हूँ कि मुझे कहाँ लगाना है, ठीक है। तो 1 मिनट 43 पे लगाना है, या मुझे 1 मिनट पे लगाना है, या मुझे स्टार्टिंग में लगाना है, इस हिसाब से ये बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कार्ड लगा दिया, मैं इसमें दो एक और भी लगा सकता हूँ, बट इतना सफिशेंट है। और ठीक है, ये फिर मैंने इसको कार्ड को लगा दिया है। वीडियो मेरे को सिलेक्ट करनी है कि कौन सी मैं लगाना चाहता हूँ इसमें, तो लेटर्स से मैं इसमें भी, मैं मेरे पास अभी इसमें ज़्यादा वीडियो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ लगाने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ इसमें भी मैं प्लेलिस्ट ही लगा देता हूँ, ताकि मेरे यूजर्स को वो दिखे, अगर वो बीच में देखना चाहें तो भी वो देख सकते हैं, उनको लिंक ऐसे जाएगा। तो ये मैंने प्लेलिस्ट ही लगा दी, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट मैंने लगा दी, प्लेलिस्ट कार्ड 1:27 पे दिखाएगा, 1 मिनट 27 फ्रेम पे, ये मैंने सेव कर दिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें जैसे मैंने बताया सब टाइटल्स मैंने इसलिए लिया, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अच्छा आता है, वो साफ आता है। एंड स्क्रीन मैंने आपको दिखा दी जो एकदम आखिरी में आता है। एंड कार्ड्स जो आता है, जो बीच में आपके आता है, वो आप 0 पे लगा सकते हैं, या टॉप पे आएगा, इधर आपके वीडियो के आप जहाँ पे होता है उसके टॉप राइट में आपको दिखता है। कंप्लीट किया, नो इश्यूज फाउंड, कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है, और ये हमने किया। अब इसको मैं अनलिस्टेड भी कर सकता हूँ, प्राइवेट भी कर सकता हूँ, पब्लिक भी कर सकता हूँ। तो लेटर्स से मैं इसको स्केड्यूल भी कर सकता हूँ, सपोज मुझे आज इसको शाम को पोस्ट करना है, तो मैं इसको शाम को 8 बजे लगा देता हूँ इस तरीके से। मैंने ये आज 8 बजे का मैंने ले लिया इसमें टाइम, ये हो गया मेरा 8 बजे का। एक स्पेसिफिक टाइम लेना ज़्यादा सही है, ये हमने रिसर्च से सीखा। जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स आए, तो हमारे सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़े, बट बाद में पिछले 1 महीने से हम लोग काफ़ी कंसिस्टेंटली उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे ले रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोग कहते हैं कि आप अपने एनालिटिक्स में जाके चेक कर सकते हो कि भाई कब आपके यूजर्स आ रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं बताते कि उसके लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूजर्स भी चाहिए। जैसे अभी मैं अपने चैनल में दिखाऊंगा, तो वहाँ पे दिखाएगा कि आपके पास सफिशियंट डेटा ही नहीं है उसको शो करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने जो दूसरा यूट्यूब चैनल पे मैंने रिसर्च किया और देखा कि भाई 7 से 10 बजे इंडिया में, 7 से 10 के बीच में, जो मेरे इंडस्ट्री में जैसे एजुकेशन हम करियर पे स्किल्स पे डालते हैं कोर्सेज, तो 7 से 10 लोग ज़्यादा फ्री होते हैं, तो हम उस टाइम के बीच का हमने 8 बजे सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से मैंने टाइम सेलेक्ट कर लिया। सेटस प्रीमियम क्या होता है कि जैसे आपके एज अ चलते से आपका लाइव चल रहा होगा, ठीक है, ये हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस करें अपलोड कैसा करना है। तो हमने स्केड्यूल कर दिया, ये लिंक हम ऑलरेडी कर रखे हैं, अब मैंने स्केड्यूल कर दिया तो ये चला गया डन। तो काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने इस वीडियो में देखी, ठीक है, और ये हमने समझा कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर मैं आपको एनालिटिक्स में ले जाऊं, तो ये आपको दिखाएगा कि ग्रोथ तो हो रही है चैनल की, क्योंकि अब हमने ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी शुरू की हैं। जैसे ये अभी बढ़ा ATRs, अभी मैं आपको दिखाऊँ इसका ग्राफ, मैं आपको इसका ग्राफ दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे ये यहाँ से देखो सिर्फ 1.1 था, फिर धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, ये डेली बेसिस पे है। फिर ये यहाँ पे हमने वीडियोस अपलोड करनी शुरू की, यहाँ पे देखो ये वीडियो का आइकन आ रहा है, पहली वीडियो पब्लिश करी, फिर ये दूसरी पब्लिश करी, फिर ये वीडियो, तो आप देखोगे ये धीरे धीरे एकदम से बढ़ गया। कोई कोई वीडियो आपका ऐसा पिक कर जाता है कि पूछो मत, जैसे इस वीडियो में 10 आवर्स तक कंटेंट चला गया, 10.5 आवर्स। तो जैसे भाई किसी भी एक्टर की कोई हर मूवी हिट नहीं होती स्टार्टिंग में, तो भाई मतलब मुझे नहीं पता ये एनर्जी कितनी सही है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप YouTube पे काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें। इसमें जैसे ये हमारे लिए मोटिवेशन फैक्टर है कि हमारा ये वीडियो एकदम से चला गया, अब इसमें तो सब्सक्राइबर कम थे फिर भी चला गया। तो कई बार कंटेंट इतना अच्छा होता है या लोगों को इतना पसंद आ जाता है कि वो हिट हो जाता है। अब देखेंगे मोटा मोटा, तो अब हमारा ये
जैसे 5 आवर्स 3 आवर्स ऐसे जा रहा है, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो 1 2 ऐसे नीचे नीचे था, इधर 0। लेकिन जैसे हमने कॉस्ट, यहाँ पे हम सिर्फ एसईओ कर रहे थे, यहाँ पे हमने वीडियोस पोस्ट करने भी शुरू कर दिए, तो एसईओ के साथ साथ जब वीडियो पोस्ट किए तो ये, और ये वॉच टाइम बढ़ना शुरू हो गया। अगर आप देखोगे +24 मतलब सब्सक्राइबर बढ़े हैं, ये सब ग्रीन एरो दिखा रहा है आपको, मतलब ये बढ़ रहा है, यहाँ पे भी ग्रीन दिखा रहा है, तो यहाँ भी ग्रीन हुआ है, मतलब बढ़ रहा है 0.8 मोर देन यूजुअल। तो दिस इज अ गुड सिग्नल, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली वीडियोस कर रहे हैं, कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो याद है ये कुछ वीडियोस हैं जो एनालिटिक्स में दिखा रहा है, जो टॉप कंटेंट है। जैसे आप सर्च करोगे कैलकुलेशन ऑफ कस्टमर रिटेंशन रेट, तो ये हमेशा टॉप पे दिखाएगा। रिपीट कस्टमर यूजिंग डेक्स दिखाओगे तो ये टॉप पे दिखाएगा। तो ऐसा नहीं है, कुछ वीडियोस हमारे ऑलरेडी टॉप पे हैं, जबकि हम काफी न्यू चैनल है। अब आप ऐसे इमेजिन कीजिए, जैसे ये चैनल हिट हो जाएगा तो ये काफी सारे वीडियोस इसमें टॉप पे आने शुरू होंगे, और फिर सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। और यहाँ पे अभी मैं जो है और ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें क्या जाऊँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन ये मैंने मोटा मोटा आपको एनालिटिक्स भी दिखा दिया। तो अभी इसमें 80 आवर्स वॉच टाइम आ रहा है, विच इज़ प्रिटी फाइन फॉर अ न्यू चैनल। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 0 से 1000 सब्सक्राइबर, सॉरी 0 से 100 सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, 101 से 1000 और टफ होता है जो हमने क्रॉस कर लिया है, और 1000 से 10000 फिर कम टफ हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग में, सॉरी मैंने गलत बोला, 0 to 100 बहुत ज़्यादा टफ होता है, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है टफ आपके लिए। 101 से 1000 आप इजीली अचीव कर पाते हो एज कम्पेयर टू 0 to 100। फिर 101 से 10000 आप इजीली अचीव कर पाते हो एज कम्पेयर टू 0 to 1000 जो मैंने आपको बताया, 0 to 100। तो जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो होगा, आपके सब्सक्राइबर और तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कि कैसे हम पब्लिश करते हैं। अब आप डैशबोर्ड में जाओगे तो ये आपको शो भी करेगा, जैसे मैं कंटेंट पे गया, ठीक है, ये स्केड्यूल क्या हुआ, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे दिस वीडियो इज करंटली प्राइवेट एंड स्केड्यूल टू बिकम पब्लिक ऑन 24 अक्टूबर। सो दैट विल ऑल्सो बी यू कैन इजिली चेक ऑन डैशबोर्ड कि वट आर द वेन इट कैन बी यू नो लाइव, एंड इन दिस वे दीज आर ऑल पब्लिक, दिस इज प्राइवेट। सो देर आर लॉट ऑफ वीडियोज विच वी हैव प्राइवेट मोड because that is for the clients, and there are a lot of videos in the public, the clients mod as in we train people so we keep them private, and a lot of videos are the public as well। तो अगर मैं देखूँ तो धीरे 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 चीज़ें ग्रो कर रही हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं। ये वीडियो इसलिए बनाया गया क्योंकि जो वेबिनार किया था उसमें काफ़ी लोग जो अपलोड कर रहे थे वो नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, अब इसमें मैंने वो सब डिस्कस नहीं किया कि मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वो एक अलग ही चीज़ है, उसमें कीवर्ड एनालिसिस, कितने करेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, बट मोटा मोटा कैसे अपलोड करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कार्ड, आई कार्ड, डिस्क्रिप्शन में क्या रखना है, क्या हमें कैसे मैनेज करना है, शीट जो हमने डिस्कस किया इस तरह से हमें एक शीट मैनेज करना है, ये हम देख सकते हैं। अब आप कोई प्रीवियस वीडियो जैसे आप देखना चाहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये कोई भी वीडियो, जैसे मैंने क्लस्टर एनालिसिस देखा, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं इस वीडियो पे गया, तो इसमें जैसे हमने लिखा हुआ है क्विक जम्प, देखो अगर ये वीडियो आपको कैसा दिखता है पब्लिश होने के बाद, सेम चीज वो दिखेगा। तो जैसे ये मैंने, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यूजर को कैसा दिखेगा। तो यूजर को ऐसा दिख रहा है, क्लस्टर इज यूजिंग एस्पेसस, ठीक है, और काफी लंबा वीडियो, 1.5 आवर का वीडियो है इसमें। यूजर ऐसे मोर पे क्लिक करेगा तो यूजर को ऐसे क्विक जम्प दिखेगा। अब यूजर को सिर्फ ये चेक करना है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड क्लस्टर एनालिसिस, तो वो इस पर क्लिक करेगा तो सीधा ये वाला पोर्शन से स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन। सिमिलरली अगर वो इस पर क्लिक करेगा 1 आवर 14, तो ये आप बेसिकली यूजर के लिए इजी कर रहे हो क्विक जंप लगा के। सिमिलरली हमने ये फॉर्म लगाया, फॉर्म मैंने आपको दिखाया, भर सकते हैं। टू चेक मोर वीडियोज, यही वाला वीडियो ओपन हो जाएगा, आस्क एनीथिंग, ये जो शीट मैंने आपको दिखाई आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू करियर, तो और ये हमने 3 4 हैशटैग लगा दिए। अब देखो नीचे से ऐसे चैप्टर ऐसा दिखेगा, सेम चीज जो अभी हमने पब्लिश करी है वो भी ऐसे ही दिखेगी, उसमें भी जो क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस करे हैं वो दिखेंगे। अगर आप चाहो तो मैं उसे अभी पब्लिश कर सकता हूँ आपके लिए, चलो मैं कर ही देता हूँ आपके लिए पब्लिश। तो हम वीडियो में गए और बैक करता हूँ मैं, काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा एक बार पब्लिश करके भी आप देख लोगे। इनको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया कि ये बोल्ड करने के लिए मैंने फैंसी टेक्स्ट जनरेशन और भी चीजें आती होंगी, बट मैंने ये यूज कर लिया, ऐसे कोई ऐसा कुछ नहीं कि ये कुछ अच्छा है बुरा है, हमें तो सिर्फ हल्का सा बोल्ड करके ही दिखाना था। तो इसको मैं देखता हूँ, इसको मैं पहले आपके लिए पब्लिश करता हूँ, इवन मैं ऐसे ही देखता हूँ अगर मैं ऐसे ओपन करूँ तो कैसे दिखता है, लिंक को क्लिक करके तो कैसे दिखना चाहिए। तो अब देखो जैसे यूजर क्या करेगा, यूजर को ऐसा दिखेगा,
अब यूजर को क्या करना है, इस पर क्लिक करना है 6 7 पे, तो सीधा ये वाला आंसर पे पहुंच गया वो। ठीक है, तो पब्लिश होने के बाद ये बड़ा फायदा है कि यूजर, सॉरी क्विक जंप लगाने का ये बहुत फायदा है कि आप यूजर को इजीली उसी जो कंटेंट दिखाना चाहते हो वही दिखाना चाहते हो। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ये। मैंने कुछ हैशटैग लगाए थे, ये फॉर्म लगाए थे, वो सब आ गए नीचे। देखिए जैसे ये क्वेश्चंस थे, अभी 3 ही आ रहे हैं क्योंकि ये वीडियो अभी हो रही है, तो जैसे होंगी तो सारे आ जाएंगे उसमें। व्यू ऑल पे क्लिक करो तो भी आ जाएंगे। तो इस तरह से ये आपके चैप्टर्स हैं, हाउ कैन आई लर्न, तो यहाँ से भी विच कोर्स शुड आई डू आफ्टर एक्सेल, व्हाट शैल बी आफ्टर लर्निंग डिजिटल, इस तरह के क्वेश्चन हमने आंसर्स किए हुए हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखूँ यार। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करिए, क्योंकि लोग काफ़ी यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट मेरा प्लान ये है कि कुछ चीज़ें हमने और यूज़ करी हैं अपने वीडियोस की क्वालिटी के लिए, कि जैसे ये नीचे हमने लगाया हुआ है फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग, या फिर ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, मतलब काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो हमें नहीं पता चलते, जो हम बाय डिफॉल्ट, तो एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे मैं वीडियो बनाना चाहूँगा कि यूट्यूब का चैनल जब हम बनाते हैं तो स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन कैसे रखें, क्या करें, तो वो भी हम करेंगे एंड और आपको फायदा होगा। तो इफ़ यू थिंक दिस वॉज रियली गुड, आई मीन यू इट इट कैन बेनिफिट यू, यू कैन यू नो लाइक इट एंड शेयर विद द पीपल। यू कैन ऑल्सो कमेंट इफ यू वॉन्ट समथिंग यू नो विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ यू यूट्यूब, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। माई होल ऑब्जेक्टिव इज टू अवेयर यू कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। हिंदी में वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि इन द वेबिनार लॉट ऑफ पीपल वर हिंदी स्पीकिंग, एंड हम लोग हिंदी पे ज़्यादा वीडियोज इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि हमें जो ऑडियंस अभी हमारे पास आ रहे हैं वो हिंदी में ही ज़्यादातर कन्वर्स करते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बहुत। सो सम वीडियोज वी हैव ऑन इंग्लिश, सम वीडियोज वी हैव इन इंग्लिश और हिंदी। सो इन दिस वे वी आर क्रिएटिंग द वीडियोज, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, जस्ट लाइक शेयर कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। सो आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ हियर एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।